हेलो देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मारुति स्विफ्ट डिज़ायर के ऊपर, जिसको हमने 48 पिन में सिक्वेंशियल किट इंस्टॉल किया है। यहाँ पर इसका ECU बिठाया गया है और जितने भी पाइप्स हैं उन सबको कवर चढ़ाया गया है। जितने भी वायर हैं उन सबको स्लीव चढ़ा के प्रॉपर कवर किया गया है। ये रहा इसका रिड्यूसर, ये 2-स्टेज रिड्यूसर है। ये प्रेशर गेज है, ये यहाँ पे फिलिंग वाल है जहाँ से गैस भराई जाती है। इस तरह से इसको CNG किट इंस्टॉल किया गया है, नीट और क्लीन वर्क किया गया है हमारी तरफ से। चलिए अब मैं आपको टैंक बताता हूँ। इस तरह से हमने मारुति स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर टैंक इंस्टॉल किया हुआ है। प्रॉपर कवर चढ़ा के फिट किया गया है ताकि एक नीट और क्लीन लुक आए। आप देखिए नीचे कवर भी चढ़ाए गए। और ये हमारी स्पेशलिटी की कोई भी गाड़ी रहे हम लम्बा ज़रूर लगाते हैं। ये CNG टैंक की वजह से बॉडी के ऊपर होने वाले प्रभाव को बहुत कम करता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका टैंक इंस्टॉलेशन किया गया है। अब मैं आपको स्विच बताता हूँ। तो ये रहा स्विच, हमने यहाँ पर स्विच इंस्टॉल किया है और हल्का सा रेस दे देता हूँ मैं ताकि गाड़ी CNG पे हो जाए। और ये CNG पे अभी हो चुकी है। तो अभी मैं आपको इसका RPM दिखाता हूँ। स्टेबल है, बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। और अभी हमारा AC बंद है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अभी AC ऑन कर दिया है मैंने। ओके, तो अभी आप देखिए स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। हमने जो कैलिब्रेशन किया है एकदम गुड है। और इसकी टेस्ट ड्राइव भी देख कर आ चुके हैं हम लोग। इसके ओनर से भी मैं आपको मिलवाता हूँ और उन्हें पूछते हैं कि उन्हें हमारा इंस्टॉलेशन कैसे लगा और गाड़ी CNG पे किस तरह से वर्क कर रही है। आता गाड़ी सुरुवातीला मला भीती होती CNG करायचं का पेट्रोल ठेवायचं, कारण CNGचं भरपूर असं म्हणत होतं की CNGमुळे गाडी पिकअप घेत नाही काय नाही। पण आता CNGचं काम झालं माझं, मी सोबत त्यांच्या होतो, त्याच्यानंतर आम्ही ड्राईव्ह घेतला, टेस्ट ड्राईव्ह घेतली म्हणजे असं लक्षात आलं की एकदम बेस्ट। मला कळत नाही की मी CNGवर चालवतो का पेट्रोलपेक्षा CNG बेस्ट असं आता मला वाटायला लागलं आहे। एकदम परफेक्ट काम केलं, नो इश्यूज। मी AC लावून बघितला, थर्ड गिअरवरती सुद्धा गाडी चालवून बघितली, गाडीला काही इश्यू नाही, एक चांगलं काम झालं, बेस्ट। सर इंस्टॉलेशन कसा वाटला? अनकट वायरिंग आपण केलो याच्यात, कुठल्याही प्रकारची वायरिंग कट केली नाही, कोणत्याही वायरिंग कट नाही, चांगल्या प्रकारे इंस्टॉलेशन केलेलं आहे, बेस्ट वाटलं। तरी अजून एक ऑब्झर्वेशन नंतर तुम्हाला मी कळलं नक्की नक्की। तर हे सर होते आपल्याकडून चिपळूण आली होती CNG किट इंस्टॉलेशनसाठी। तर यांच्या गाडीला आपण किट तरी आत्ता बसून दिलो आहे, परत आपण नंतर सरांना नक्की भेटू 1-2 महिन्यानंतर आणि परत त्यांना विचारू की गाडी CNGवर कशी परफॉर्म करते। तर थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू 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 सर। तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ, थँक्यू व्हेरी मच।